जिस प्रदेश को वीर भूमि और देव भूमि के नाम से जाना जाता है उसी प्रदेश में शहीदों का अपमान किया जा रहा है। शहीदों का यह अपमान उस पौड़ी में किया गया जहां से भारतीय सेना को लगभग हर घर से सेना का जवान मिलता है। उस पौड़ी में जिसके एक स्कूल में बने शहीदों के नाम शिलापट को प्रधानाध्यापक ने तोड़ दिया। उसके बाद अब ग्राम प्रधान उषा देवी ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से की है। जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान उषा देवी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गाँव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिंताई में शहीदों के नाम शिलापट निर्माण करवाया गया था जिसको प्रधानाध्यापक ने तोड़कर उसकी सामग्री विद्यालय के रैली निर्माण कार्य में लगा दिया है। उन्होंने ये बताया कि जब उनके द्वारा प्रधानाध्यापक से मामले के कारण जाना गया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रधान ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के तहत कार्य किया गया था जिसको प्रधानाध्यापक द्वारा तोड़कर शहीदों का अपमान किया गया है। उन्होंने मामले की जाँच करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग जिलाधिकारी से की है। जी बिल्कुल, फोन के माध्यम से प्रधान जी के द्वारा मुझे भी ये बताया गया कि हमारे ग्राम सभा में इस तरह से अभी 14 अगस्त को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही वहाँ पे एक शिला फलका बना हुआ था जिसपे कि हमारे जो शहीद हैं उनके नाम दर्शाए गए थे और वहाँ के जो प्रधानाध्यापक जी हैं उनके द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया है बिना किसी की अनुमति लिए बगैर और ना ही प्रधान जी को कोई सूचना की उनके द्वारा। तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि शहीदों का अपमान हुआ है और अगर उन शहीदों के जो वहाँ पे आश्रित हैं उनके द्वारा अगर ये देखा जाएगा कि उस शिला फलकम को तोड़ के उसकी जो सामग्री है वो आज पैरों तले आ रही है तो ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी भूल और बहुत गलत काम ये प्रधानाचार्य जी के द्वारा किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। संबंध में जो भिताई के प्रधान हैं वो अभी आके मिले और उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है जिसपे SDM से जांच मंगवाई जा रही है। कुछ फोटोज भी उन्होंने दिखाए जिसमें बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन है तो उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा इस तरीके से अगर कोई गलती की गई है तो उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को जिला अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और उस प्रधानाध्यापक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।